ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਰਾਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚਿਕਨ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਲਈ मुझे अभी दराज से पार्सल आया है, इनको खोल कर देखते हैं कि इनमें क्या है। मैं कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा फजूल खर्च करती हूँ। उसामा मुझे डांटते रहते हैं यार, फजूल चीजें मंगाते रहते हैं, लेकिन फजूल नहीं होती। मेरे किचन की जो चीजें होती है ना, वो ज्यादातर मैं दराज से ही ऑर्डर करती हूँ। कुछ अच्छी निकल आती है, कुछ नहीं अच्छी निकलती, तो बाकी देखते हैं इनमें क्या। सो गाइज, इस डिब्बे से ना मैंने सोचा था कि ये ना बड़ी डिब्बियाँ होंगी, लेकिन इसमें से ये छोटी छोटी डिब्बियाँ निकली हैं। और आप लोग भी देखने से पहले लेने से पहले देख लेना कि बहुत छोटी हैं, ये देखे ना, बहुत छोटी हैं। मुझे लगा था ये शायद मतलब इस मतलब ऐसे होंगे, ऐसे इस तरह के ना डिब्बे होंगे, लेकिन इस तरह के नहीं निकले ये। अब चलो काम तो आ गई है, इसमें मैंने कलर फूड कलर डाल लिए हैं ना, ये देखे। तो बाकी ये वाले मैंने 6 और मंगवाए हैं, 6 मैंने पहले मंगवाए थे और ये बड़े अच्छे हैं। इनमें आप दालें शालें बहुत सारी चीज़ें, मतलब अभी तो हमारी दाल खत्म हो गया, ग्रॉसरी करने जाना है, वो भी ब्लॉग आप लोगों को शेयर करेंगे। इसमें मैंने दालें डाल ली थी, तो अभी ये मैकरोनी नूडल्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं, मैंने कहा इनके लिए भी ये डिब्बे मंगवा ली, मैंने मंगवा ली हैं। सो ये 10x10 और ये 10x5, ये गलत हो गया, वर्षा ये प्रैंक हो गया। चलो कोई नहीं गाइस, प्रैंक से याद आया, प्रैंक तो आपको मैंने बताया ही नहीं अभी तक, मैं बताती हूँ क्या प्रैंक है, अभी आ जाए ना जो मैंने मंगवाया हुआ है फिर। सो गाइस, ये देखे फाइनली सारे जो है ना जार मैंने भर दिए हैं, डब्बे भर दिए हैं कहने लगी थी, और इधर भी मैंने ये नाम थोड़े से लिखे हैं, तो बाकी ये ठीक है यार, ऐसे पड़े हुए ना डिब्बे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये मंगवाए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, काफ़ी स्पेस है इनमें, मेरे ख्याल 1 किलो के हैं ना, हाँ 1 किलो के हैं। तो बाकी गाइज अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रैंक क्या है। तो गाइज आज मैं बनाने लगी हूँ आलू बैंगन, और ये मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ, और उसामा के लिए चिकन बनाना है, वो साफ हो रहा है चिकन उधर, तो लेकिन मैंने उसामा को यही बताना है कि मैंने सिर्फ आलू बैंगन बनाए हैं, चिकन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था मेरे लिए कढ़ाई बना दो अच्छी सी मज़ेदार सी करके, और अपने लिए जो मर्जी बना लो। मैंने यहाँ पे बैंगन, उनको नहीं पता था मैंने बैंगन बनाने हैं, मैं उनको बोलूँगी मैंने बैंगन आलू बनाए हैं, यही खाने हैं, यही खाने पड़ेंगे, और देखते हैं उसामा का क्या रिएक्शन होता है, खाते हैं या नहीं, लेट्स सी। अब मैं इनको बना भी लूँ, बनाने पर भी तो घंटा दो लग जाने। तो गाइज यहाँ पे मैंने दोनों हंडी रख ली हैं, तो अभी मैंने चार्जिंग पर लगाया हुआ था आईफोन, तो सो गाइज यहाँ पे देखें अभी साथ साथ सफाई हो रही है, साथ साथ मैंने कहा चलो हंडी फटाफट बना लेती हूँ। यहाँ पे चिकन रख दिया है और यहाँ पे मैंने आलू बैंगन रख दिए हैं, फिर चावल बाद में बनाऊँगी। तो गाइज अभी अभी ग्लास टूटा है और बच गई हूँ मैं, आप लोग दुआ किया करो यार, पता नहीं नज़र लग गई है मुझे किसी। यहाँ पे अभी तक आलू बैंगन मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें अभी तक लुक कुछ नहीं आ रही। और यहाँ पे मैंने ना चिकन डाला हुआ है अंदर, वो क्या कहते हैं उसको, दही डाल के ना मसाला डाल के अंदर डाला हुआ है, इसका पानी खुश्क हो जाता है, फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे बताओ कमेंट्स में कौन कौन आलू बैंगन खाता है, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मैंने जैसे शादी की है मैंने छोड़ दिए हुए थे खाने ना, क्योंकि इनके घर कोई भी नहीं खाता था, लेकिन मुझे तो बड़े पसंद है, साथ में चावल हो आया है, सियालकोटियां की पहचान कितों होती है चावला। तो सो गाइस कढ़ाई तो बन चुकी है, ये है इसकी फाइनल लुक, चेक करें, मुंह में पानी आ रहा है, किस किस के आ रहा है, आ जाओ खा लो यार, कोई बात नहीं आओ। और बाकी आलू बैंगन जो है ना वो रखे हुए हैं, ये चावल भी बोए हैं इसमें, और ये आलू बैंगन में पानी डाल के रखा हुआ, मैंने सही से जरा मेल्ट हो जाए अच्छे से, तो आज रिएक्शन लेंगे उसामा का, उसामा क्या कहते हैं,
कि आलू बैंगन पका दी है, मैंने तो तुम्हें कड़ाई बोला था। ये मेरी बच्ची मुझे इतना तंग कर रही थी ना, बहुत बदतमीज है, इतना रो रही थी अंदर। क्यों रो रही हो बताओ, क्यों रो रही हो है, क्यों रो रही हो? और मैंने इसको उठा लिया है तो फाइनली चावल भी मैंने दम लगा दिया, चावलों को भी, और यहाँ पे सालन भी बन गया, और ये मैंने लहदा रख दिया साइड पे ताकि उसामा को पता ना चले। लास्ट तक व्लॉग को वॉच करना है, बहुत मजा आएगा गाइस, देखिएगा रिएक्शन क्या है। ये खाते तो नहीं है वैसे आलू बैंगन, कोई पता नहीं गालें गुलें भी पै जान नहीं वैसे गालियां तो नहीं देते, लेकिन कोई पता नहीं गुस्सा तो करेंगे थोड़ा बहुत, तो कहेंगे तो सही मैंने तुम्हें मंगा के दिया था चिकन, क्यों नहीं बनाया ये वो। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं, अभी मैं इसको लेके इसके दादू घर जा रही हूँ, अभी उसामा लाइव बैठे हैं, जैसे वो आते हैं ना नीचे फिर आपको बताते हैं। और ये बच्चा देखें बदतमीज आ चुके हैं नीचे, बच्चे सो रहे हैं। चलो उसामा मैं अज थोड़े इन्नी मजेदार चीज बनाई है ना, जल्दी रखो, चलो मैं रख लगी है इतनी मजेदार चीज। ओ माय गॉड, गरम कर ही लिए क्योंकि मैंने तो खाना खा लिया था ना। देखो सो जल्दी से आयो सामा, और आपने बताना है कि मैंने कितना कैसे बनाया, आपको बताना कितनी मेहनत से जो है ना घर सारा तैयार किया। ठीक है हाँ, तो मैं जब मैं घर आ जाऊं लाइटें ऑन रखा, होम टूर देना है बस, अभी हम लोग देने वाले हैं, चले आ जाना, खाना तो खा लेना पहले आए। है की आलू बैंगन चावल बनाए यार, मैं थानू पैसे दिते हन के तुसी चिकन मंगाना है, ठीक है, ते ए तुसा की बनाया की मतलब है यार, की खाओ यार आपी यार, ऐ ते कोई तरीका नहीं ना यार, थानू पता है मैं नहीं खांदा बैंगन, आज तक जिंदगी दे विच कदी मेरी मामा ने मेरे लिए बैंगन नहीं बनाया है। तो यार बैंगन भी एक सब्जी है, बड़ी मजेदार खाने ते देखो, थोड़ी जी ट्राई ते करो, मेनू तुम्हें व्लॉग दे विच तुसी मेनू गल्ला सुनान लग पे हो यार, गल्लां दी गल नहीं है, ठीक है, सारी दुनिया नु पता मैं व्लॉग, व्लॉग दे विच ते बंदा शर्म कर लेंदा, ते चलो पैर नहीं पता, पूरे टब्बर नु पता मैं खांदा ही नहीं बैंगन, दसो तो ना ना लोगों को नहीं खाना बैंगन, कभी देखा जाए तक मामा ने भी बनाए हो पर थोड़े जी ट्राई, मेरे कहने ते एक बारी देखो मजेदार, तुसी कहो मैं एक अद्धी बुरकी नहीं लानी, तुहानू आख्या कि मैं जो तुहानू शजा तू पैसे दे गया तो चिकन बनाओ, अपने लिए बना लै रहे सन, अपने लिए बनाए सन, मैं कहूं सामा भी खा लेंगे यार, आ यार असीं बाहरों खा के आईए, की बारो खा गए यार, मैं चिकन मैं प्रैंक करन दे ही सदाड़े ना, मैं तो अड़े ली चिकन कढ़ाई बनाई सी, मैं क्या सामान है, मैं भी आखा मैं नू काद नहीं देख के आप तो तुसी और अजीब काम कर, ऐ मैं अपने लिए बनाए साने, लेकिन तू की खाओ ना मेरे लिए तो उधर फिर भी ट्राई कर दे, अच्छी गल सी, आ फड़ो जरा कैमरा हुन मैं गरम करना फाइनल, अजीब बंदे हो, इतने मजे दे बने ने ना तुसी खाते ही नहीं है यार, एक चीज यार गाइस मैं नहीं खांदा, मैं आज तक मेरी वालदा ने घर बैंगन नहीं वाड़े, क्यों मैं नहीं खांदा, सिर्फ मेरे कल्ले वास्ते पूरे घर ने यार बैंगन खाने छड़े ते ऐ बैंगन खाने मेरे वास्ते खाने पैने, मैं नहीं खाना, मैं नहीं खाने, मैं भी ना खाने, मेरी भी मर्जी है, चलो जी मर्जी है, तो मेरी भी मर्जी है, चलो आज कमले की फिर ऐसी थी जैसी है, चलो ठीक है रखो रखो फटाफट। सो गाइस उसामा अभी ट्राई करने लगे हैं मेरे हाथ का बना सालन, मैंने लाइफ में पहली दफा बनाया है चिकन पहली दफा कदू बनाएगी प्रैंक करन दी आज मैं तड़ने मेरे ना केड़े प्रैंक दी कर लियो यार पाती ना नु दा बड़ा मजा आना है पाती हां लेकिन चलें कोई बात नहीं आज करें फिर सारी टाइम सारी कभी अंदर कर लेंगे ना ठीक है सैरी का भी इनको दिखा देते हैं कि सैरी क्योंकि कर रहे हैं व्लॉग तो हम रात का ही बना रहे हैं ना तो आज की सैरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे गाइस छोटा सा क्लिप के सैरी में हम लोग क्या बनाएंगे सैरी डन करके रोजा डन करके वो एक वीडियो में अभी देख रही थी वो कह रहा है मेरे दोस्त ने स्टेटस लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सैरी डन उसको फोन करके कहता है अच्छा पाई अज सैरी सी नहीं नहीं मैंने तो नहीं सी पता है अच्छा रोजा भी है अज यार तू स्टेटस ना लाता तो मैंने कितों पता चला मुझे इतनी हंसी आ रही थी ने कैसा बना माशाल्लाह मजे का कमाल है तेरी जादू है तेरे अज झूठ ना भाई ऑनेस्ट रिव्यू दबो अल्लाह के कसम बड़ा मजेदार है हाँ, मैं बड़ी दिल मुहब्बत प्यार न पा पा के अपना प्यार बनाया बहुत मजेदार है चलिए जी बहुत शुक्रिया तो इसी खुशी में मुझे इनाम मिलेगा क्या मिलेगा मुझे बाइक लेके जाएंगे आप आखिर ही ना दिन उस साल बिल्कुल मैं
ਕੀ ਆਖੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜੀ ਬੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦਬਈ ਚੱਲੀ ਉਮਰੇ ਚਾਹ ਪੀਲਾ ਨਾਲ ਦੀ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक उमरा कबूल करे ने आमीन आमीन हम भी कभी जाएंगे अल्लाह ताला के घर आप सब लोग भी जो देख रहे हैं वो भी अल्लाह आपको भी नसीब करे जाना और गाइस रमजान में हम आपके साथ सहरी और अफ्तारी का व्लॉग शेयर करते रहा करेंगे अभी आपने नहीं चाय पीनी है मैंने भी सो ये हमारा बहुत अच्छा कुक है थोड़ा बहुत कुक है तो कभी कभार चाय शाय हमें बना के खुद भी पी लेता है हमें भी पिला देता है थैंक यू सो मच अल्लाह ताला इनके भी नसीब अच्छे करे अभी चाय शाय आ चुकी है शहजाद भाई ने बहुत मजे की चाय बना के दी है जो जैसा कि आप लोगों को पता है शहजाद भाई चाय बहुत मजे की बनाते हैं अभी आप लोगों को नहीं पता वैसे आज पता लग गया सो गाइज मिलते हैं आपको सैरी के टाइम ठीक है उसमें सैरी के टाइम सैरी का ब्लॉग भी इसके अंदर एंटर कर देना सारा कुछ ठीक है ओके गाइज लव यू जी गाइज आप हमारा होने वाली है सैरी ठीक है सैरी का टाइम हो गया आफ्टर थ्री हॉर्स लेटर देखें अभी ये गर्म हो रहा है सालन और पराठा बांध रहा है ठीक है मैं इधर बनाऊंगा लस्सी तो अभी चलते हैं बनाते हैं लस्सी फिर उसके बाद बनाएंगे चाय और फिर सैरी करेंगे और पहली सैरी सबको मुबारक अभी बांध रही है लस्सी ये चेक करें क्या बात है मेरा काम बस यही है कि मैंने बनानी होती है लस्सी ठीक है अभी कायनात को क्या हो गया यार चलो इसके आप काम चेक करें लस्सी पी भी जा रहा लस्सी पी जा रहे बस करो ना भी अभी रुक जो हो गया अच्छा बन गई सारी अच्छा तो ये काई को किसने दिखाना है काई को किसने दिखाना है काई को किसने दिखाना है काई नजर आ रही बिच काई हेलो करो रोजा रखे काई काई का पहली काई की पहली पहला ही रमजान है नहीं दूसरा है काई का दूसरा रमजान है मूसा का तीसरा है माशाल्लाह माशाल्लाह यार आपको शर्म नहीं आती बस करो ले जी मारी हो गई सैरी तैयार और काई को देखें काई क्या कर रही हो क्या लेना है आपने रोजा रखना है रोजा रखना है पढ़ो लाइला पढ़ो लाइला काई आप क्या कर रही हो यार ले जी एक बाइट लेते हैं और आगे मैंने लिया एक बाइट बड़ा मजे का पराठे के साथ बड़ा मजा आता है अच्छा आज इधर हो ना थोड़ा क्या पी रहा है मूसा लस्सी पी भी जा रहे है पी भी जा रहे है बस लस्सी पे पींदा और कुछ भी नहीं पा खांदा पींदा सो गाइस यहां पे हमारी सहरी हो गई है डन अल्हम्दुलिल्लाह सहरी इज डन सब लोग कमेंट में आगे बताओ किस किस ने रोजा रखा है अल्लाह पाक सबको तौफीक दे रोजा रखने की और आप सब हमारे लिए दुआ करें हम आपके लिए दुआ करेंगे और गाइस सहरी हो चुकी है और उसामा इस टाइम कुछ नहीं कर रहे उनकी भी सारी इज डन सो अभी चाय पीते हैं थोड़ी सी क्योंकि चाय अच्छी होती है हाजमे के लिए थोड़ी सी पीनी चाहिए थोड़ी सी सारा दिन आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त रहता है ठीक रहता है पानी की कमी नहीं होती आपको ठीक है आप सब लोग भी चाय पिया करें सो गाइज अभी व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि शायद बहुत लंबा व्लॉग हो गया मैं कल रात से बना रही हूँ तो आज का एंड करते हैं व्लॉग का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें उसामा कह रहे थे आज को मैं ना ग्रोसरी कराने लेके जाता हूँ क्योंकि हम मतलब मसरूफ रहे हैं और रोज़ा आ गया ऊपर से और हमने सामान वगैरह कुछ नहीं लिया घर का तो अब इंशाल्लाह आज जाएंगे वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखें और कमेंट में बता दो किस किस ने रोज़ा रखा है